अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहमान, आप देख रहे हैं थे टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आज की ये वीडियो मैं थोड़ी सी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैंने शाम को चैनल के ऊपर पोको एक्स थ्री की अनबॉक्सिंग को अपलोड करना और शाम को मैं 5 बजे लाइव भी आऊँगा। पोको एक्स थ्री का लॉन्च इवेंट है, आप लोग भी यार लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग इकट्ठे मिलकर लॉन्च इवेंट को देखेंगे और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हुए तो उनके भी मैं आप लोगों को लाइव आंसर कर दूँगा। आते हैं पहली अपडेट की तरफ जो कि काफ़ी कमाल की आ रही है। लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से इन दोनों ने आपस में एक MOU एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्रिकेट के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आने का। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, हमारी जो क्रिकेट अब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो यहाँ पर बात की जा रही है स्मार्ट बैट्स की, स्मार्ट बॉल्स की, कुछ ऐसे वेयरबल गैजेट्स की जो कि प्लेयर्स पहनेंगे। उनसे क्या होगा कि अगर प्लेयर फॉर एग्जाम्पल बॉल करवा रहा है, उसका जो बॉल करवाने का एक्शन है वो ठीक नहीं है, उससे वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्ट बॉल की, तो भाई इससे ये होगा कि आपकी बॉल की स्पीड के ऊपर जा रही है वो पता हम लोग कर सकेंगे, बॉल की डायरेक्शन किस साइड के ऊपर गई है। उसके अलावा स्मार्ट बैट की अगर हम लोग बात करते हैं, उससे ये होगा कि हमारी जो बॉल है वो बैट के साथ टकराई है या फिर नहीं टकराई, ये काफ़ी ज़्यादा ईजीली और तेज़ी के साथ हमें पता चल सकेगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जब अपील की जाती है तो काफ़ी देर लगती है, जो अल्ट्राइट जो पूरी टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया जाता है, जो हॉटस्पॉट वगैरह होता है या फिर जो LBW की पूरी सारी टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर सीरीज़ चल रही है PSL, उसके अंदर बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को लेके आया जाएगा। वैसे इंटरनेशनली इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम हो रहा है और बहुत जल्द हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है भाई एप्पल की तरफ से। एप्पल के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा कमाल के फोल्डेबल डिस्प्लेज के ऊपर काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस न्यूज़ को डिस्कस किया था कि एप्पल ने सैमसंग से बात किया कि हमें फोल्डेबल आईफोन्स के लिए या फिर आईपैड आप लोग उसको जो भी कह लो डिस्प्लेज दो, सैमसंग एप्पल को डिस्प्लेज देने वाला है। लेकिन मीनवाइल ये भी चीज़ अब सामने आ गया है कि एप्पल ऐसे डिस्प्लेज के ऊपर काम कर रहा है जो कि सेल्फ हीलिंग सेल्फ रिपेयरिंग डिस्प्लेज होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा क्रैक आता है, उसके अंदर थोड़ा सा डेंट आता है, थोड़ा सा डैमेज आता है, तो डिस्प्ले अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेगा। अब ये चीज़ सुनने के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इनसेन है, देखते हैं कि एप्पल इसको कब लेके आता है और इसके बारे में जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन जो एप्पल है भाई, एक चीज़ तो उसके बारे में हमें माननी पड़ेगी कि जो टेक्नोलॉजी जब अपनी इंट्रोड्यूस करवाता है तो वेल प्रिपेयर्ड होती है, उसके अंदर इतने कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। हम लोग अगर देखते हैं दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज़ को तो वो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग सबसे पहले आ जाएं, लेकिन भाई जब एप्पल आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है वीवो की तरफ से, वीवो X50 प्रो प्लस के रिलेटेड। उसके DXO मार्क स्कोर सामने हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये DXO मार्क बेसिकली है क्या। तो एक वेबसाइट है जो कि स्मार्टफोन के कैमराज को रिव्यू करती है फुल डिटेल के अंदर, इन डेप्थ एक एक चीज़ को वो लोग चेकआउट करते हैं, उसके बाद स्मार्टफोन को पॉइंट्स देते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं, ये सारे ये काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये DXO मार्क वाले हैं। अब इन्होंने वीवो के X50 प्रो प्लस को टेस्ट आउट किया है। यहाँ पर अगर हम लोग फोटोज़ के पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं तो वो मिले हैं 139, जो कि हुआवे P40 प्रो से एक पॉइंट कम है। वीडियो के अंदर मिले हैं 104 पॉइंट्स, यहाँ पर भी हुआवे P40 प्रो से एक पॉइंट कम है, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि वीवो VX50 प्रो प्लस जो है हुआवे P40 प्रो से बिल्कुल टक्कर के ऊपर है। इसके भी जो कैमराज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है भाई एप्पल की तरफ से। एप्पल आईफोन 12 मिनी के रिलेटेड कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। जो कलर रेंज बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसके अंदर आप लोगों को ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, येलो और कोरल कलर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो आईफोन 12 प्रो और मैक्स होंगे उनके अंदर आप लोगों को 128, 256 और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। इनके अंदर आप लोगों को सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और सिल्वर कलर्स ही मिलेंगे। इसके अलावा आईफोन 12 मिनी की प्राइस के बारे में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लीक आ रही। कहा यह जा रहा है कि जो आईफोन 12 मिनी होगा 64 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगी $649, जो कि काफ़ी एक क्रेजी प्राइस होने वाली है। अगर हम लोग इसको पाकिस्तान की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन बनते हैं 1,07,000। अगर आप लोग टैक्सीज वगैरह को लगा लेते हो, जितने भी टैक्स मैक्सिमम लगा सकते हैं हम लोग वो लगा लेते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आईफोन 12 मिनी होगा 64 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,40,000 के दरमियान कहीं पर देखने को मिल सकती है। अगर एप्पल उसको $649 के अंदर लॉन्च करता है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक टफ कंपटीशन देने वाला सैमसंग को। हम लोगों ने अभी देखा सैमसंग की तरफ से गलेक्सी FE आया, S20 FE, जो कि $700 के अंदर है। उसका जो स्नैपड्रैगन वाला वर्जन, हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो भाई उसको काफ़ी ज़्यादा ये कंपटीशन देने वाला। और जो आईफोन 12 मिनी होगा इसके अंदर आप लोगों को लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेगा,
भाई एप्पल का जो लेटेस्ट डिज़ाइन है वो लेटेस्ट ही है, दूसरे जो लेटेस्ट डिज़ाइन है वो तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हुए हैं। यानी कि नोच मिलेगी, फेस आईडी मिल जाएगी, इसका साइज 5.4 इंचेस होगा, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, काफ़ी एक हैंडी फ़ोन होगा। अगर ये आता है $649 के अंदर, A14 बायोनिक चिप मिलेगी, एप्पल के कैमराज, लेटेस्ट हमें सेंसर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक क्रेज़ी डील होने वाली है, हमारी मार्केट के लिए भी काफ़ी एक कमाल की डील होगी। अब दुआ करते हैं हम लोग कि इसकी जो प्राइस है एप्पल इतनी ही रखे, चाहे एप्पल चार्जर बाय निकाल ले हम लोग सैमसंग के चार्जर से चार्ज कर लेंगे, चाहे हैंडफ्री निकाल ले हम लोग ऑडियोनिक के हैंडफ्री ले लेंगे, लेकिन भाई $649 का जो प्राइस टैग है मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है भाई पोको की तरफ से। पोको ने एक नई स्मार्टफोन की सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है जो कि है पोको C3। पोको की एफ सीरीज़ पहले चल रही थी, एम चल रही थी और एक्स चल रही थी, अब ये जो सी सीरीज़ है इसके बारे में जो पहला फ़ोन इसका आने वाला वो है पोको C3, जो कि कहा जा रहा है कि रेडमी 9C का ही एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी वो सारी की सारी वही मिलेंगी, मीडियाटेक का हेलो G35 प्रोसेसर मिल जाएगा, बैटरी सेम वही है 5000mAh की, 6.53 का 720p डिस्प्ले मिल जाएगा, सारी चीज़ें सेम वही हैं, वही रीब्रांडिंग की गई है। अब आप लोगों ने मे बी नोटिस किया हो कि जो स्मार्टफोन कंपनीज होती हैं वो रीब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा करती हैं, और आपके माइंड के अंदर ये चीज़ अक्सर आती होगी कि ये रीब्रांडिंग का क्या सीन चल रहा होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रीब्रांडिंग का बेसिकली सीन चल क्या रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक स्मार्टफोन को लॉन्च किया, उसकी उन्होंने मार्केटिंग की, उसकी जितनी सेल्स होनी थी वो सेल्स हो चुकी हुई हैं। अभी कंपनी क्या करती है कि उसी फ़ोन की रीब्रांडिंग करती है। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर रेडमी की और पोको की, अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये रेडमी 9C का ही रीब्रांडेड वर्जन है, तो अब जो रेडमी 9C की पूरी कंपेन है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन अगर वो रेडमी 9C को रीब्रांड करके पोको C3 के नाम से लॉन्च करते हैं तो उनके लिए जो मार्केटिंग का प्लान है वो दोबारा से बन जाएगा, लोगों की नज़र के अंदर वही सेम स्मार्टफोन दोबारा आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो स्मार्टफोन कंपनीज के पास जो चीज़ें पड़ी होती हैं वैसा होता है कि एक आपके पास किचन है उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई, आप लोगों ने क्या करना है कि कवर बदलना है डिश का और अंदर जो चीज़ें वो सारी की सारी वही हैं, आपका जो मटेरियल वही है, लेकिन जो यूज़र है उसको भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि अगर उसने भाई स्मार्टफोन बाय करना है तो उसने बाय करना ही है, अगर उसने नहीं बाय करना तो वो नहीं बाय करना। कुछ लोग रीब्रांडिंग को बुरा भी कह रहे होते हैं, यार ये बुरी बात नहीं होती, जो ब्रांड्स होती हैं मार्केट के अंदर ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिव रहने के लिए ये सारे काम कर रही होती हैं। अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान के मार्केट के अंदर आता है या फिर नहीं आता। वैसे आप लोग स्मार्टफोन्स की रीब्रांडिंग के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल की तरफ से एंड्रॉइड कैमरा ऐप के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि गूगल ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है जिसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, एक क्लिक के साथ आप लोग फेस के ऊपर जो लाइट होती है उसको एडजस्ट कर पाओगे, उसके अलावा पिक्चर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी स्पॉट के ऊपर अगर आप लोग चाह रहे हो कोई लाइट को ऐड करना है या फिर चीज़ों को एडजस्ट करना है आप लोग वहाँ पर क्लिक करोगे तो कैमरा ऐप ऑटोमेटिकली AI को यूज़ करके पिक्चर को एडजस्ट कर देगी। फीचर किस तरह एक्चुअल में काम करता है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। उसके अलावा गूगल एक और फीचर के ऊपर काम कर रहा है, आप लोगों को नाइट मोड के अंदर जो ब्लर होता है बैकग्राउंड बोके इफेक्ट वो देखने को मिल जाएगा। अब ये फीचर एक्चुअल में किस तरह परफॉर्म करते हैं ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं गूगल के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर तो भाई गूगल की जो कैमरा ऐप है, गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फोटोज़ के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये वाले फीचर्स भी आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह एक्यूरेटली परफॉर्म करेंगे। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। यार आज आप लोगों को अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, शाम को 5 बजे भी आ जाइएगा। वीडियो को ख़त्म करते जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम लोग शाम को 5 बजे ही डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।